शेयर करने वाली हूँ ऑन द वीडियो BTS ऑफ YouTube फैन फेस्ट ऑफ राउड टू हेल। बट बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एवरीवन, आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल मैं फिर वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। दोस्तों, मैं आपको एक अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसमें आप कई तरीके से पैसा कमा सकते हो। ऐप का नाम है बिंजो। तो गाइस, इस ऐप पर इजी गेम खेलकर आप रियल पैसा कमा सकते हो। इस ऐप पर 40 से भी ज्यादा काफी पॉपुलर गेम है, जैसे कि मैड सर्फर, फ्री फायर, लूडो, बबल्स, शूटर, क्रिकेट जैसे गेम है। यही नहीं, बिंजो के पास फैंटेसी स्पोर्ट्स भी है, जहां आप इस IPL सीजन डेली 20,000 तक कमाने का मौका होगा। बिंजो सुपर स्टार पर प्रति रेफर 40 रुपए अर्न कर सकते हो और अपनी अर्निंग सीधा बैंक UPI में ले सकते हो। आप अपनी जीती अमाउंट बैंक UPI पेटीएम से ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, मिनिमम विड्रॉ 3 रुपए है। तो वेट किस बात का, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को इंस्टॉल करो और साइन अप पर मिलेगा 50 रुपए का बेनिफिट और फ्री फैंटेसी टिकट्स। तो जाओ अभी जाके इंस्टॉल करो। वेलकम टू द शो कैफे। कैफे लेके जा रहा है ये। यस, अभी वो देखो कितना सीरियस है, ये बीप क्यों कर दिया पूरा। तो मेरा दूसरा सवाल मिस्टर नाजिम से है। तो नाजिम, आपने कितनी बार दी? नाजिम भाई ये क्या था? चलो रेडी। वेलकम टू द शो द कपिल। चलो एंड एक्शन। तो आप सभी का स्वागत है द कपिल। कपिल कहाँ से आया? वेलकम टू द सीन रखते रहो एकदम। वेलकम टू द शो। ऐसा लगता है लीला। ऐसी कौन सी वीडियो है जो आपको नहीं करनी चाहिए थी? ये तो स्वैग तो रही मैं कर रही हूँ। रेडी एक्शन। कॉफी विद राकेश। तो क्या मठा रखूं? तू भी क्या करेक्टर कौन सा है? जिन बेस्ट नाम। अरे पूरा ही वाला लो, दोबारा लो, यही वाला बोल दो ना पूरा। 1 2 3 एक्शन। एक्शन। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द कपिल। बहुत प्यारे इसको। रेडी एक्शन। एक्शन। हाँ। तो आप सभी का अयो मस्ती। एक्शन। एक्शन। वेलकम टू द शो कपिल। क्या था? कॉफी। वेलकम टू द शो द कप। सही है कपिल। द कप वेलकम टू द शो द कॉफी विद करण। वेलकम टू द शो। आपका कितना लंबा है? अबे कितना वेलकम टू द शो कैफे। खत्म कर दे इन दोनों को। आपको बता दूंगा नाजिम भैया। हो गया नाजिम भैया, इसमें जब जान पी ले इसे। प्रोडक्शन का इतना ही जुगाड़ था तो इतने करा दिया। आपका कितना लंबा है? इतना पर्सनल पूछेगा क्या तू? मेरा मतलब कहने का, यूट्यूब पर आपका कितना लंबा कैरियर है? हमारा बहुत लंबा करियर है, हम जो है बहुत आगे तक जाना चाहते हैं यूट्यूब पे। तो मैं यूट्यूब पर बोल कर रहा था। तो गाड़ मरा के कहाँ कर रहे हो यार? यूट्यूब पे आपका कितना बड़ा करियर है? कितना बड़ा है करियर? लंबा करियर है। माँ कसम बहुत टाइम लगता होगा ना फिर। वसीम कितना, मतलब मैंने इसके पहले भी ना कौन सा किया था वो मेरे को लगता है गेम ऑफ ग्रीड नहीं था, उसके भी पहले वाला एक वीडियो था ये पता नहीं। तो उसमें ना ये लोग टीचर बने थे, तो वहां पे भी मैंने देखा वसीम आगे चला जाता है, डायलॉग भूल जाता है, वापस सबको पीछे, उसके पीछे दो लोग है ना, तो सबको पीछे वापस वापस एक बार चलो 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 फिर वापस आगे। और इन तीनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है ना, जैसे कि
कितना भी गलत हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये लोग उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे. जैसे अभी आगे जाके गलत हो गया, वापस पीछे आने बोलते, ए यार क्या है तू, तेरा क्या है बार बार का, ऐसे नहीं बोलते, चलते हैं, चलो चलो आगे, चलो चलो पीछे. इसलिए मुझे इनकी तिगड़ी मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद आती है, सीरियसली. बहुत ज़्यादा नज़र ना लगे तो. अभी भी देखा आपने, डायरेक्ट कैफे में ही लेके जा रहे हैं वसीम आपको. और मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा है कि बिहाइंड द सीन्स में है वसीम ज़्यादा, मतलब वसीम के ज़्यादा स्लिप ऑफ टंग हो जाती है. अभी डायरेक्ट कैफे, फिर कैफे नहीं तो द कपिल शर्मा शो. माय गॉड, वो कितना मिस कर रहा है कपिल शर्मा शो को. कपिल शर्मा अगर आप सुन रहे हो तो इन लोगों को एक बार शो पे बुला दो अपने. नहीं यार, लोग देखेंगे यार, यूट्यूब के फैंस है इतने सारे, मतलब मैं भी खास देखूंगी. उसके ऊपर भी लोग आके बोलेंगे प्लीज रिएक्ट करके. क्योंकि माँ कसम बहुत अच्छा लगा मुझे ये एंड इन तीनों की जोड़ी. और मेन चीज मैंने यही कही ना कि लास्ट ईयर मैंने देखा कि लोग पागल हो जैसे, मतलब पागल फैन हो चुके थे एकदम क्रेजी लास्ट ईयर वाला फैन फेस जो था वो. एंड मैंने सुना है कि कमेंट में किसी ने कहा था कि तब उनके सिर्फ 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे और आप देखो आप 16 मिलियन हो गए, तो तब इतना क्रेज था तो अब क्या होता. इस बार उनको मुंबई में भी बुलाते, आपको पता है फिर ऐसा होता तो. एंड देन ओ माई गॉड, फिर मेरे को भी मजा आ जाता रिएक्ट करने में. ये ना लाइव वाला थोड़ा सा, मतलब अगर लाइव होता ये शो तो वसीम का तो इतना टेक नहीं हो पाता वेलकम टू कैफे. पर वसीम की एक चीज अगर आपने देखी होगी, हंसता नहीं है बिल्कुल. गलती करता है, हंसता नहीं है, गलती कर, सब पूरा पूरी टीम हंसेगी, सब कुछ हंसे, सब लोग हंसेंगे. इज लाइक मैं कॉन्सेंट्रेशन, मेरा ये गलत हो गया, अपने को इसको ठीक हुआ. वो टेबल पे ऐसा कुछ तो रखा था, उसके वो ऐसे रखा साइड में वाइंड में और एकदम सीरियसली हाँ ठीक है एक बार और. पर बेचारा उसी को ज़्यादा पेंट, सब कुछ उसी को ज़्यादा लगाया गया है ना इसमें. फिर मैं बात करूँ अगर नाजिम की, क्या बोला बिल्कुल समझ में नहीं आया, कैसी जीव लप लप आई. उगांडा वाली भाषा लगे मुझे 2 मिनट के लिए, क्या हो रहा है. फिर जैन की कोई गलती नहीं दिखी मुझे थ्रू आउट द वीडियो वैसे देखा जाए तो, बट मस्त एक्टिंग ना, मतलब ऐसे बैठे हैं ऐसे, वो जो जो कुछ भी कर रहे हैं ना एकदम शॉक वाला है जो कुछ भी. अरे एक्टिंग पे तो इनके कोई सवाल उठा ही नहीं सकता, एक्टिंग बोलो, कैमरा एंगल बोलो, स्लो मो वगैरह करते, आजकल तो फुल हीरो वाले एंट्री दिखाने लगे. गेम ऑफ ग्रीड में मैं तो पागल हो गई जब से नाजिम को वो देखा ना, वो नाजिम की बिल्डअप बहुत अच्छी हो गई है ठीक है. और फिर उसकी जैसे एंट्री हुई थी, गॉगल वॉगल पहना था, फुल हवे में बाल लहरा रहे थे एंड ऑल दैट. नाजिम इज ऑल्सो लुकिंग वेरी कूल एंड वसीम ने तो फुल बॉडी वॉडी बना के इस बार शर्टलेस गया था, तो एकदम मूवीज बना रहे अब तो, है ना, मतलब हम लोग को पागल कर दे रहे अभी अपने वीडियोज से. तो वैसा लगा मुझे वहां पे इतना ज्यादा कोऑपरेशन देख के ना, मेरे को बहुत सही लगा. मतलब यू नो व्हाट, किसी के साथ कोलैब करने से पहले हमको क्या लगता है कि बाबा कोलैब नहीं छोड़ो, किसी को पार्टनर बनाने, कोलैब इज लाइक एक दो वीडियो, किसी के साथ पार्टनर बनाने से पहले हम लोग को सोचा यार साथ में रहेंगे ना कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना, ये ज़्यादा नखरे वाली तो नहीं ना, नखरे वाली मतलब उस तरीके से. एंड ये लोग वाव, सीरियसली मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं. और आपके व्यूज से मुझे पता चलता है आपको कौन ज़्यादा पसंद है, किसको आप देखना ज़्यादा पसंद करते हो. तो आपको और भी राउंड 12 के वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, बहुत सारा शेयर करो. आपके व्यूज़ पे मुझे समझ में आता है कि मैं किस पे रिएक्ट करना चाहिए और किस पे नहीं, प्लीज़. तो मैं आती हूँ रोज़ वीडियोज़ के साथ, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ड्रॉप अ कमेंट इन कमेंट सेक्शन बिलो. बाकी परत नहीं आले था, बाय.